आज हम लोग देखने वाले आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के वर्स्ट एंड मोस्ट हेटेड गेम्स, जिनको खेल के उन्होंने या तो अपना सर फोड़ दिया या फिर सर से मॉनिटर फोड़ दिया, लाइक लिटरली नहीं फोड़ा बट इतना गुस्सा है या फिर इतना घटिया लगा गेम उनको। तो इसमें मैंने क्या किया ना, उज्जवल भाई, अज्जू भाई, रानी, चपाती, ऐसे मेरे सारे दोस्तों को, याद तक कि मिथपैक को भी, मैंने पूछा कि आपका सबसे वर्स्ट या हेटेड गेम कौन सा है। और आज हम लोग वही सारे के सारे गेम्स ट्राई करके देखेगा कि क्या मेरा मॉनिटर बचता है क्या। सबसे पहले मैंने रानी को पूछा था कि उसका सबसे मोस्ट हेटेड गेम कौन सा है। उससे तो भाई सबसे कॉमन गेम बोल दिया गेटिंग ओवर इट। उसने ये भी बोल दिया कि अनइंस्टॉल किया, उसके बाद कभी इंस्टॉल नहीं किया। दोस्तों ऑनेस्टली बोलूं, काफी दिनों बाद मैंने ये वाला गेम ओपन किया दोस्तों, और मुझे देखना भाई कि मैं कहां तक था इस वाले गेम में। अरे यार घटिया जगह पे हो बहुत ज्यादा। वे चल चल ऊपर चल ऊपर चल। ये गेम एक्चुअली शुरू में बहुत ही ज्यादा घटिया था, लाइक बिल्कुल समझता ही नहीं था, बट अभी थोड़ा बहुत समझने लग गया। ओ थोड़ा सा आगे चल, आगे चल, आगे चल। वेट वेट वेट, नहीं नहीं, ओह इट हैपेंड अगेन। आई सीरियसली काफी ज्यादा घटिया लगते हैं इसके कंट्रोल्स मुझे। ऊपर पहुंच आशा। बस हवा निकल गई। देन नेक्स्ट मैंने पूछा था उज्जवल भाई को कि हेटेड गेम कौन सा है, और गेटिंग ऑडिट का नाम मत लेना क्योंकि मुझे पता है 99% लोग पहले गेटिंग ऑडिट ही बोलेंगे। उन्होंने बोला एक बैंक हाइस्ट सिमुलेटर। तो एक्चुअली इसका गेम का नाम आई थिंक बैंक हाइस्ट सिमुलेटर नहीं है, गेम का नाम है द प्रोफेशनल। मैंने उज्जवल भाई के चैनल पे भी देखा ऐसा ही कुछ नाम था इसका। इसमें आई थिंक कि ये जो डायमंड है इसको चुराना है। मैंने ये गेम कभी नहीं खेला है जिंदगी में। ओके हम लोग चोर है इसमें, तो करना क्या भाई। अच्छा ओ ओ डोंट टेल मी कि आ भाई घटिया गेम है भाई। अरे इसको ऊपर कैसे, अबे इसको उठाओ कैसे भाई। अरे उठ जा भाई, क्या व्हाट द हेल। अबे इसको हेलो, अबे उठे, अबे चलेगा कैसे बंदा ये। अबे ये कौन सा आसन कर रहा है बंदा। हेलो ओए भाई, भाई इसको क्या हो गया। दोस्तों मुझे कुछ नहीं समझ रहा इस, इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब कैसा खेलना है वही नहीं समझ रहा ये गेम। ये देखो आसन कर रहा है बंदा अपना इधर। एक मिनट, आई थिंक इसको पहले तो नीचे भाई मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, एक मिनट रिस्टार्ट करके देखता हूँ मैं। स्टार्ट गेम, ओके ओके, नॉर्मली कैसे चला कैसे आता है मैं भूल गया ना। अबे पीछे मत खेल, लेट गया ये सीधा। क्या घटिया गेम, इसको खेलते कैसे है। अरे यार अच्छा अच्छा ऐसे भी जा सकता हूँ मैं, हाँ हाँ ये भी मस्त है। अबे खा जा रहा है क्या बनता ये, पीछे नहीं आगे जाना है, पीछे क्यों जाना ये। हेलो ओके इसको रखो पैर, चल चल आगे चल। ओ फाइनली दोस्तों मुझे एक टेक्निक समझ गई जिससे मैं आगे तो जा पा रहा हूँ। ओके ओ भाई घोड़े जैसे जा, डोंट टेल मी इसके ऊपर से जाना है, थोड़ा मुश्किल जाएगा ये, एक बीच में बक्सा है ठीक है। हाँ 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 नहीं आगे चलना है, आगे चलना है भाई। भाई उज्जवल भाई ने मुझे लगता है जानबूझ के ये वाला गेम मुझे दिया है। ये क्या कर क्या है बता, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओके ऐसे भी जा सकते हैं ठीक है। अबे उल्टा नहीं होना बेटे। ये देखो बक्सा पार कर लिया मैंने कैसे वैसे करके, पीछे नहीं आना है। ओ आराम से भाई, आराम से भाई। आज का गोल अपना ये नहीं कि सारे गेम्स अपने को कंप्लीट वगैरह करने, अपना गोल ये है किस चीज से उनको गुस्सा आया वो ढूंढना है, लाइक मुझे वो चीज से गुस्सा आता है क्या इस गेम पे वो देखना है। तो भाई ये गेम बहुत ही ज्यादा घटिया है ऑनेस्टली बोल तो, पता नहीं क्यों खेलते क्यों ऐसे गेम लोग।
चल चल सांप बनाऊ मैं, इसके ऊपर से कैसे जाए यार, शक लग गया। क्या खड़ा हो गया बंदा, नहीं खेलना, चल चल तो आगे चल, आगे चल बेटे, चल 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 चलना भाई, आगे चलना चलना भाई, चलना भाई। वेट 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 वेट, नहीं यार एक मिनट, ऐसा अगर मैं टॉपर हो गया, अरे यार ओह कैसे, चल 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 आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल, वेट 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 वेट, पीछे नहीं पीछे नहीं आना है, पीछे नहीं आना, वेट 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 वेट, इसका पीछे का पैर देखो, पीछे का पैर थोड़ा ऐसा, अच्छा क्लोजली पैर, अब चल अब चल अब चल भाई, क्यों कर रहे अभी ऐसा, नहीं 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 ये देखो वहां तक पहुंचा, मैं स्टेयर्स तक पहुंचा हूं, ठीक है धीरे धीरे, नेक्स्ट मैंने फ्लीट वाइज से भी पूछा था, उन्होंने भी पहले गेटिंग ओवर इट का नाम लिया, बाद में बोले रेसिडेंट इविल 5 एंड रेसिडेंट इविल 6, ओके तो अपने पास स्टार्ट से रेसिडेंट इविल दोनों भी एक्चुअली, तो मैं पहले खेल के देखता हूँ रेसिडेंट इविल 5। तो दोस्तों ये है रेसिडेंट इविल 5 जो फ्लीट वाइज ने बोला था, थोड़ा पुराना गेम दिख रहा है एंड थोड़ा डार्क टाइप का गेम दिख रहा है यार, ठीक है चलता है कोई इशू नहीं इसमें, अब जो कट सीन्स देखने का टाइम नहीं इसलिए इसको सारे को स्किप कर देते हैं। आई डोंट नो फ्लिक भाई को ये डरावना क्यों लगा, ओह थोड़ा सा है अजीब सा गंदा सा लग रहा है मुझे, एक्चुअली बोल तो डरावना नहीं गंदा लग रहा है, ठीक है। यो भाई ये जो कैमरा एंगल है इसके, भाई इतने खराब कैमरा एंगल मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखे, अबे चक्कर आ रहा है मुझे चलते चलते भी, मैप कहाँ पे, ओके मैप दिख गया, ठीक है चलो चलो भागो, अबे यहाँ के किस चल रहा है, ये देखो सामने पिटाई हो रही है भयंकर किसी की, अबे यार कैमरा एंगल बहुत गंदे, वो देखो वहाँ पे पिटाई हो रही है और अपने साथ कोई आ रहा है पीछे से, वो देखो वो लड़की आ रही है, अबे कहाँ जा रही तू, ओए हेलो ओए भाग रही है वो अपने से दूर, चलो चलो हम भी भागते हैं इसके साथ में, अच्छा आगे चली गई ये अपने एंड वहां पे चलना अपने को, ये क्या जगह है, चल 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 चल, रेडी 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 बी रेडी एंड खोल भाई, चल देखते कौन है अंदर, आ जा भाई बाहर आ जा, चल कौन है यहाँ पे, अबे ये खा रहे उसको, अबे ये क्या इसका पे, हाय ये कल कर रहे, अबे अब समझा फ्लिट भाई को क्यों ये गेम खतरनाक लगता है, मतलब घटिया लगता है, उसके साथ कुछ होता है, आई थिंक ये ज़ॉम्बी वगैरह बन गया है, आई डोंट थिंक ये बचेगा, ये ज़ॉम्बी बन गया, इससे अब कुछ होगा, इसको मारना पड़ेगा ऑब्वियसली बात, अबे अतिका इसको प्लग करना पड़ेगा, मर गया क्या, अभी उठ गया ये, नो वे यू क्या गंदा दिख रहा है सब कुछ यार मुझे, मेरे को पटकेगा तू, सो ये गेम तो समझ गया अपने को क्यों फ्लीट भाई को अच्छा नहीं लगा, अच्छा मतलब कि हेटेड गेम है उनका, वर्स्ट गेम है क्योंकि इस पे भाई डरावनी चीजें काफी ज्यादा, और इसके कंट्रोल्स भी मुझे इतने पसंद आए, मुझे चक्कर आता है खेलते समय, तो अब भी नेक्स्ट गेम की तरफ, अब तो स्मार्टी भाई को भी मैंने पूछा था कि कौन सा गेम, और उन्होंने गेटिंग ऑल इट का नया वर्जन ओनली अब बोला है, तो ये गेम भाई रचित ने मुझे बताया था सबसे पहले, थोड़ा सा खेल के देखा है मैंने एंड ये गेम मैंने थोड़ा सा खेला भी है, सेव हो गया होगा, काफी ऊपर तक गया था मैं, इसमें सेव नहीं होता प्रोग्रेस, गेटिंग ऑल इट में एटलीस्ट प्रोग्रेस सेव होता था भाई, इस पे वो भी नहीं हो पा रहा है, ओ भाई यार क्या ही करे, सीरियसली गाइस क्या ही करे, इस पे काफी ऊपर तक जाना है पता है क्या अपने को, मैं काफी ऊपर तक पहुंचा था, रुको आपको ना करके दिखाता अभी, जिसको भरोसा नहीं ना मेरे पे उसके लिए, चलो आ जा चलो मैं ऊपर तक पहुंच के दिखाऊंगा आपको सभी को, अरे मेरे को आता है ये गेम, इतना भी मुश्किल नहीं है ठीक है, बस कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा है इसलिए मैंने किया नहीं, वरना तो भाई सिर्फ स्पेस बार दबाते बैठो आप जीरो के भी नहीं, हेलो अटक क्यों गया हूं मैं, अबे
कहीं से भी जाके कहीं पे भी आ जाता हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ, फट 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 आ ना भाई, यही से गिरना शुरू हो गया क्या मेरा? हेलो सीरियसली इतने पास से नहीं यार, नहीं नहीं, इससे इससे अच्छा आता है मुझे ये गेम खेलना। चल चला। अरे इधर क्यों पकड़ रहा है मेरा बंदा? ठीक है यहाँ तक पहुंच गए हम लोग दोस्तों, अभी यहाँ से अपने को जाना है ऊपर। ठीक है भाई, एक्चुअली मैं इसके भी ऊपर तक पहुंचा हूँ। अबे भाई आराम से ना भाई, अरे भाई आराम से भाई, डर लग रहा है। पकड़ पकड़ किसी को। हाँ बच गया मैं। भाई भगवान बोले तेरे को क्या, पकड़ भी क्या बच्चा हूँ पता है क्या गाइस? भाई ताई 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 ताई। काफी ज्यादा डेंजरस वे में मैं खेल रहा हूँ, ये फिर भी ज्यादा ऊपर नहीं गया था मैं। Alt F4। भाई नेक्स्ट अपने पास मिथपैक भाई। ओके मिथिलेश को मैंने पूछा था कि कौन सा मोस्ट हेटेड गेम है, तो उसने पहले गेटिंग गॉलिट बोला, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई दूसरा बता दे, क्योंकि भाई गेटिंग गॉलिट बहुत लोग बोलेंगे। तो उसने बोला अनफेयर मारियो, एंड कोइंसिडेंटली अज्जू भाई अपने टोटल गेमिंग उन्होंने भी यही गेम बोला, तो दोनों का गेम एक साथ ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई कि दोनों ने सेम गेम बोला है। तो यह है अपने पास अनफेयर मारियो, इसको मैं खेल के देखने वाला हूँ। अगर यह है अनफेयर मारियो, और ये एक्चुअली अनफेयर मारियो 2 है, तो लेवल 1 से स्टार्ट करते है। हेलो कैसा है अभी ये 3D में गेम यार, एकदम ऐसा खतरनाक गेम है। हेलो कैसे तुम लोग? हेलो अरे अबे उधर से जाएंगे कैसे, कोई पता है क्या मैं देखो कैसा? अबे उसके ऊपर से जाएंगे कैसे भाई? हेलो ओ आई गेट इट कैसे जा सकते? नहीं आई डोंट गेट इट, कैसे जाऊंगा मैं उसके ऊपर से भाई, कुछ समझाएगा मेरे को? एक मिनट, यस आप सही है आप इजी है। आई थॉट कि मैं भाई गया, सीरियसली इतना अनफेयर है ये। पहुंच ओके आई थिंक यस, ये अबे ये भी गिर जाता है। दोस्तों वापस एक बार ट्राई हो जाए। ठीक है अरे कूदा क्यों नहीं नुबड़ा, क्या बंदा है भाई ये। वो पहुंच गया अभी से भाई, आई थिंक वो कहां से अभी मेरे को नहीं खेलना। अपने चपाती भाई से भी मैंने पूछा था, और उन्होंने बोला मारियो मेकर। अबे यार ये कौन सा गेम बोल दिया भाई। इशू समझा था बाद में आपको। ठीक है तो मारियो मेकर खेलने के लिए अपने को चाहिए निंटेंडो स्विच। और चपाती भाई ने गैस भी कर लिया कि हम लोग क्या करने वाले, उनको पता था कि हम लोग करने वाले प्लेइंग यूट्यूबर्स वर्स्ट गेम एवर। ओके उनको पता था, उन्होंने टाइटल भी बता दिया वीडियो का। सो दोस्तों मैंने स्विच को कनेक्ट कर लिया है, एंड अभी हम लोग खेलते मारियो मेकर 2। ओके आ जाओ प्ले करना है, एंड आई थिंक अपने को कोर्स वर्ल्ड खेलना है। इस पे अलग अलग ना लेवल्स होते हैं दोस्तों, जो कि लोगों ने बनाए होते हैं। इसका नाम है कुछ क्रेजी जंप्स करके इस। अबे यार क्या ही बताऊं, इसका नाम इजी था भाई। पहुंच गए। अबे भाई साहब इतना तेज है ये, मतलब कि रुकना नहीं है मुझे भाई। स्टार्ट किया तो नूबड़े ऐसा मर क्यों रहा हूं भाई मैं? आई डोंट थिंक ये मेरे से होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मतलब लोग इतने डिफिकल्ट लेवल्स बता रहे भाई। अब कैसे पहुंचू आज तक मैं? अब कैसे पहुंचेगा इंसान कोई? नेक्स्ट मैंने पूछा था बिक्सु को कि उसका जो सबसे खतरनाक गेम, मतलब जो गेम उसको पसंद आया वो कौन सा था। वह उसने बोला ज्योमेट्री डैश। आई थिंक ये गेम मैंने पहले भी सुना है, थोड़ा मुश्किल टाइप का गेम है आई गेस। ओके नॉर्मल मोड वगैरह इसमें, वेट
ओके समझा मुझे गेम कैसा है. एक नहीं समझा एक्चुअली. राइट ओहो हो चामेटे डैश. गेम काफी ओपी है. आजा वापस आजा. भाई गेम ओपी है. अरे कैसे भैया तो शुरू में ही अगर ओहू कम ऑन दोस्तों हम कर सकते ये. कैसे बेटा पहुंच गया था मैं ऊपर तक यार. सीरियसली गेम थोड़ा रेज क्विट टाइप का है. थोड़ा नहीं बहुत है एक्चुअली. नहीं क्यों कितना मैं वहां पे सच्ची बट म्यूजिक वगैरह के साथ है ना गेम खेलने में मजा बहुत आएगा. एक बार प्रैक्टिस करके काफी टाइम तक खेल सकते हैं. इसका ना मुझे वो नहीं समझा है कि कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है क्योंकि सिर्फ बक्सा ऊपर जंप नहीं कर रहा है एक्चुअली आगे जाके ऐसा रोटेट भी हो रहा है. देखो ठीक से देखना रोटेट होता है. देखो आगे तो इस हिसाब से अब देखो खेलना है इसको. नहीं यार कैसे यार कितना बस पहुंचा था मैं आगे तक. बस भाई साहब मुझे लगा एकदम मस्त गेम होगा मजा आ रहा है. चक्के चुड़ा दे इससे. इसके बाद भाई मैंने नेक्स्ट पूछा था अपने श्रीमान भाई से श्रीमान लेजेंड भाई. उन्होंने भी वापस वो मटकेतला मानुस मींस गेटिंग ऑल इट बोला था. बट बाद में बोला कि वैलोरेंट. आई एम नॉट श्योर उनको वैलोरेंट से क्या दुश्मनी है. एक्चुअली मुझे भी है काफी ज्यादा रेज क्विट वाला गेम है. जब आपके टीम मेट सही से खेलते नहीं तब गुस्सा आता है. तो पूरा गेम खेलने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं टीडीएम खेल लेते हैं बस. चलो इसमें मैं लूंगा आई थिंक रैना लेना सही रहेगा. अरे तक सन गॉड क्या लोग यार फटफट ले लेते यार कुछ भी ले लेता हूँ मैं भी कुछ भी भाई. चलो भाई आप ही हम लोग खेल के देखते हैं इसमें रेज क्विट कितना हो सकता है मेरे से. अभी थोड़े टाइम पहले मैं फीडबैक के साथ खेल रहा था उसमें भी हम लोग हार गए. ठीक है मतलब थोड़े से ही मार्जिन से हारे एक्चुअली देखा जाए तो. क्या हो गया कहाँ पे लोग. अभी ये मैप खेला नहीं क्या मैंने कहा चल क्या. अच्छा अबे सारे यहाँ पे बैठे क्या मेरे से एक किल क्यों नहीं हो रहा आज. अबे यार अबे कोई तो आ जा पास में लग क्यों नहीं रहा मेरे से भाई. अब आ जा अच्छा आ जा बेटा. लगा कैसे थे उसको मरने को आया था वो यार दिमाग खटका रहा है ये गेम में था. What the hell is this game, man? कभी कभी ऐसे होता है इसमें लगता ही नहीं. एम कितना भी सही से मारो गेम आपका बन जाएगा दुश्मन. ये देखो मार दो. नाइस वन मैन. आजा बेटे आजा. ये देखो दिखाता नहीं. आजा बस आ जाना पास में आजा थोड़ा सा बेटा. अबे ओ बेटा गुस्सा दिलाता है यार ये गेम बहुत गुस्सा दिलाता है मेरे को तो. हम लेते हैं मशीन गन सीधा. क्या मशीन गन भाई मुझे अपने घर जाना है. कैसे मार गए इतने फटफट भाई. बच गया भाई. बट रेज क्विट के मोमेंट्स भाई बहुत बार आते हैं इसमें. जीत गया एटलीस्ट में. नेक्स्ट है भाई दोस्तों अपने पास अमित भाई एंड उन्होंने बोला एक द एडवेंचर 2 करके गेम हार्ड मोड पे खेलेंगे आज. ओके द एडवेंचर 2 हम लोग खेल रहे अभी. अच्छा जाना कहाँ पे इधर. ओके राइट पे जाना है. काफी इजी गेम दिख रहा है मुझे तो. ठीक है अबे हंस भी रहा आपने भी गेम. अबे हट बे कुछ भी बोलता है करेगा अपन करेगा अपन करेगा. पूरा नहीं करेगा बट कर पाएगा. ठीक है तो फिर अबे
अपन करके रहेगा दोस्तों, ठीक है ठीक है, अब तो अपन करके रहेगा भाई, हो जाएगा अपने से काम। आई डोंट रिमेम्बर कौन से वाले टाइप पे, हाँ ये देखो इस पे आता है। अबे वो कब गिरा ऊपर से, एक मिनट करना क्या इसमें, कंट्रोल्स बहुत घटिया दोस्तों। इसके ऊपर जाना होगा मे बी, एंड देन अबे क्या मैंने क्या गलती की भाई, मुझे कूदना था कूदा नहीं मैं सही से, ठीक है अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा, अब भी कंफर्म वो साइड तक तो मैं जा पाऊंगा मुझे पता है जितना, ठीक है ये देखो एंड अभी आई थिंक अरे थोड़ा पहुंच गया था वो साइड, पहुंच गया था मैं, ठीक है तो वो साइड हम लोग पहुंच के दिखाएंगे सही से। गुस्सा बढ़ते जा रहा है दोस्तों, कुछ तो फटेगा मेरे से आज पता है क्या, अरे बटन छूट, सॉरी भाई सच्चे कुछ टूट जाएगा भाई यार, अरे कूद चिल 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 क्यों ना ये नुबड़ा कूद जा रहा भाई, के आने दे भाई क्यों भाई साहब, अमित भाई यार कौन सी दुश्मनी निकालते पता नहीं मेरे साथ, चिल चिल निशान चिल चिल निशान चिल, रात के एक तो 4 बजे लोग बोलेंगे ये क्यों इतना चिल्ला रहा है बंदा, आई थिंक हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल, पहुंच टच होने की क्या जरूरत यार उसको उधर, थोड़ा सा रुक कर जाना भाई मेरे को नहीं खेलना ये गेम, बस करो भाई बस करो, रुक भी नहीं सकता गेमर जो हूँ दोस्तों, मन नहीं कर रहा है रुकने का, बट वीडियो रोकनी पड़ेगी अपने को एटलीस्ट, ठीक है मेरे को नहीं पता कुछ, सेकंड लेवल ओके, इसके बाद जो होगा क्या भाड़ में मिलती मेरे को नहीं पता कुछ, ठीक है ओ आगे आगे अरे ठीक है चल जाएगा कोई इशू नहीं, आई थिंक मुझे समझ गया क्या करना है, ठीक है अरे पहुंच जाता यार पहुंच जाता, वो पहुंच गया ये देखो आइट एप्पल, नेक्स्ट स्टेप तो बस एंड्रू भी, उसको भी मैंने पूछा था उसने नाम लिया पहले तो गेटिंग ओल्ड, बाद में लिया नाम फोर्टनाइट का ओके, बट काफी टाइम हो गया मुझे फोर्टनाइट खेलते, आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या हाल क्या है फोर्टनाइट का, क्या है भाई फोर्टनाइट ठीक है क्या चेंज हुआ है कुछ आइडिया नहीं मुझे, काफी टाइम बाद ये खेल रहा हूँ मैं, बट मेरे पास इसमें इमोट्स वगैरह भी है ये देखो, अबे क्या हो गया स्टार्ट भी हो गया, अबे ये बस है या रॉकेट है क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, हेलो भाई रात का समय क्यों है इसमें इतना, चलो उतरते यही पे पास में उतरते देखते मैं बढ़िया दिख रहा हूँ ना मैं, क्या बोलते हो दोस्तों, अच्छा यहाँ पे उतरते बस गन मिल जाए बस, ओह ये देखो क्या बढ़िया बस एक गन मिल जाए हो गया काम अपना, वहाँ पे बैकपैक दिख रहा, ओ यहाँ पे एक चेस्ट है ओके चेस्ट ले लेते हो गया काम अपना, ठीक है पता नहीं यार अपने अमित भाई को क्यों ये गेम इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे तो पसंद आता, अरे ईथर के चलो एक गन मिल गया, ये कौन सी गन है में, ये तो डीपी जैसी गन दिख रही है मुझे, ये चीजें फोड़ने से अपने को मिलता है शील्ड, ये देखो ये क्या भाई ये कौन सी गन है कुछ आइडिया नहीं आ रहा मुझे, यहाँ पे आवाज आ रही है दोस्तों मुझे किसी को, अबे अबे ये क्या था बिल्कुल जल्दी, अल्ट एफ4 यार अल्ट एफ4 आदत ही नहीं इस गेम की अब बस, नेक्स्ट गेम दोस्तों जो रचित ने बताया मुझे ठीक है, तो इस गेम के बारे में मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये गेम मैंने बाय किया था वीडियो बनाने के लिए बहुत पहले की बात है, देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा खेला 1 घंटे तक और उसके बाद अनइंस्टॉल करके रिफंड मांग लिया, उन लोगों ने भी दे दिया बिना कुछ सवाल पूछे क्योंकि उनको पता है इतना ज्यादा हेटेड गेम है ये, अभी देखो
वापस से बाय किया मैंने आपके लिए, खेल के दिखाता हूँ। यह गेम रचित ने बताया है, इसका नाम है जंप किंग। आई थिंक काफी लोगों को पता होगा ये गेम। गेम लिटरली दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल, और कंटिन्यू का ऑप्शन क्यों है आई डोंट नो, मे बी इन लोगों ने मेरा पहले वाला प्रोग्रेस सेव किया है, देखते हैं कितना। अबे कुछ सेव नहीं है, स्टार्ट चल। और ये देखो, ये ऐसा बंदा सिर्फ क्या बोलते हैं जंप करता है और कुछ नहीं, इस लिटरली कुछ से करता सिर्फ जंप करना है। देखते हैं गेम कितना ज्यादा सिंपल है, बट है नहीं दोस्तों। ये देखो, जितना प्रेस करके रखोगे ना उतना ज्यादा ये जोर से जंप करेगा, और आपको वो चीज देखनी है कि कितना आपको प्रेशर लगाना है जंपिंग में, वरना आप ऐसे नीचे गिर जाओगे। इसलिए मैंने ये गेम फटाक से अनइंस्टॉल कर दिया था बिना सोचे, क्योंकि मेरे को पता है भाई अपने से नहीं होगा ये गेम। ठीक है, ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं। इसके बाद क्या था? ओके गाइस, उधर जाऊंगा कैसे? तो मैं नीचे गेम है, बताओ मेरे को, बस तुम लोग बताओ कि इससे घटिया गेम आपने देखा है जिंदगी में? बस मेरे को भाई, हाउ डू यू फील? तेरा मुंह तोड़ूंगा बुड्ढे, आई एम फीलिंग गुड। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। रुक जा, थोड़े टाइम रुक जा। ही अबे हंस रहा है ये बुड्ढा, देखो। अबे कहां पे गिरा मैं? गिर मत जा भाई, गिर मत जा, गिर मत। इसके आगे तक पहुंचा हूं मैं, इस बार वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं यार। बकवास घटिया गेम साला यार, हट हट। आई मीन गेम ठीक ठाक है, बट उस टाइप का नहीं जिस टाइप का मुझे चाहिए। वहां तक पहुंच चुके हैं यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। दिमाग हटा रहा है भाई ये गेम काफी ज्यादा दिमाग हटा रहा है मेरा तो, भाई सच्ची बोलता हूँ मैं। इससे घटिया गेम आई डोंट थिंक मैंने तो खेला है भाई। ओ आई विश दैट आई वॉज यंग अगेन। अबे तेरे खोपड़ी फोड़ूंगा, यंग हो जाएगा तू। भाई मेरे को नहीं खेलना, मेरा रेज क्विटिंग बहुत हो गया, कुछ टूट ही जाएगा। वैसे आप लोग मुझे बताओ, इनमें से कौन सा गेम आपको सबसे घटिया लगा, लाइक जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा खेल के, या फिर आपके कोई गेम्स जिससे आपको खेल के बहुत गुस्सा आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।